वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं सोयाबीन का कीमा बनाने के लिए। देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। हम पैन कुकर गर्म हो चुका है, हमें तेल डालना है, जो भी आप पसंद हो, रिफाइंड या सरसों का तेल जो है वो आप डालिए। तेल लगभग गर्म हो चुका है ये। हमने दो बड़ी प्याज लिया हुआ है और 50 ग्राम सोयाबीन का टूटा हुआ टुकड़े जो होते हैं वो हमने लिया हुआ है। और ये हमें थोड़ी प्याज पहले तेल में डाल देना है और हल्की लाल कर लेना है। प्याज देखिए अपना कलर थोड़ा चेंज कर दिया हमने जो है। थोड़ा सा ये लहसुन लिया हुआ था एक चम्मच लगभग, इसको बारीक काट लिया। ये अदरक है, जीरा और दो जो है छोटी इलायची, 10-12 काली मिर्च, दो तेज पत्ता, इसको हमें तेल में डाल देना है। तेल में मसाले को डालने के बाद जो है देखिए एक दो सेकंड हमें थोड़ा सा जो है इसको चला लेना है कि मसाला चिपक जाए। और फिर हमें ये सोयाबीन को देखिए, अगर ये आपके पास में अगर ये टूटे वाले हैं तो सही है, नहीं है तो इसको आप आराम से वो कोई भी चीज़ में झोले में या पनीर में करके इसको आप अट्टे को मार के और सब भिगो के हमने इस तरह से रखा हुआ था, इस तरह से डाल के इसको भी वैसे चला लेना है। अगर आपके पास टूटे वाले सोयाबीन नहीं ना तो इसको आप जो है किसी भी झोले में रख के या पनीर में रखकर एक आध दो बार बट्टे को हल्के हल्के हाथ से मारिएगा तो वो जो है आराम से टूटा हुआ मिल जाएगा। मेरे पास भी टूटे हुए नहीं थे तो हमने भी इसको जो है घर में ही तोड़ा है और इसको 10 मिनट के लिए भिगो दिया था, जो कि पूरा पानी निकाल लिया था। अब देखिए इसको चलाने के बाद जो है एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट हमें डालना है। उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद भी एक आध बार लहसुन में चला लेना है। चलाने के बाद हमने प्याज काटा हुआ था, प्याज को भी हमें डालना है। प्याज हमने थोड़ी लिया हुआ था, थोड़ी हमने तेल पहले डाल दिया हुआ था और हमें उसको आप बनाइए बिल्कुल कीमे का टेस्ट देता है। जैसे प्याज डाल के देखिए हमने अच्छे से चला लिया। अब हमने जो है ये कुटी हुई थोड़ी सी टेस्ट के हिसाब से आप मिर्चे कम अगर पसंद हो तो कम और ज्यादा पसंद हो तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और नमक हमें टेस्ट के हिसाब से लेना है और गरम मसाला जो है आधा चम्मच लेना है। इसको डालकर हमें कुकर को एक सीटी जलाने के लिए बंद कर देना है। थोड़ा सा पानी आप डाल दीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना होगा। इसको डालकर गैस को धीमी करके जब सीटी बनने लगेगी तो गैस को धीमी करके एक सीटी बचा के डाल दीजिए तो कीमा आपका सोयाबीन का कीमा तैयार। सीटी निकल चुकी है, अब देखते हैं कि कैसा है, गला है या नहीं गला है। जो है सोयाबीन बिल्कुल गल के तैयार हो चुकी है। फिर से एक बार हमको गैस जलाना है, गैस को हमने जला दिया है और इस तरह से करके हमें भून लेना है। सोयाबीन का कीमा बिल्कुल तैयार है।